आपके जो पिताजी हैं कब एक्सपायर हुए हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो आप क्या करती हैं? मैं ये बकरी चलाती हूँ। और पढ़ती क्यों नहीं हैं आप? पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाती हूँ। कितना पढ़ाई किए हैं? एक भी नहीं। कुछ नहीं पढ़ाई किए हैं? नहीं। तीन साल हो गया हमारे आदमी का इंतकाल भाई। आपके पति का जब मृत्यु हुआ तो वो कितने उम्र के थे? 35 साल। आपके अलावा और कितनी महिला हैं जो विधवा हैं, उनको विधवा पेंशन नहीं बना? 7 लोग। आप विधवा पेंशन पाने के लिए क्या प्रयास किए? प्रधान से बोले हमारा विधवा पेंशन बनवा दो, वो नहीं सुने। क्या बोले प्रधान? 6 महीना बाद। तो क्या 6 माह बाद आपका विधवा पेंशन बन गया? नहीं। विधवा पेंशन ना मिलने से आपको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? बहुत परेशान है। तो 7 लड़के हमारे बकरी चराव थी, मजदूरी कर थी हम लोग, तो कितना परेशानी है। छोटे छोटे बच्चे परेशान रहते हैं, पढ़ नहीं पावत हैं। आज तक आपको कभी विधवा पेंशन बना? नहीं मिला है। और आप विधवा पेंशन बनवाने के लिए कोई प्रयास किए? हाँ, प्रधान के लगे लगे दिए ना, जे जे वोट मांगे आवत है, क्यों विधायकी हुआ तो क्यों प्रधानी हुआ, दियो फोटो ले जाइ हैं, बस बैठ जाता है आराम से। सरकार ने विधवा पेंशन योजना बनाई है ताकि विधवा महिलाओं का विधवा पेंशन बन सके, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि सिद्धार्थ नगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत पुरैना में नूर जहां सहित 7 महिलाओं का पिछले 3 साल से विधवा पेंशन न बनने से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इन सभी विधवा महिलाओं का पेंशन बने, जिससे इनकी समस्या दूर हो सके। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से हमारा अपील है कि आप लोग सिद्धार्थ नगर जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी का मोबाइल नंबर है 87 65 77 74 62 पर फोन कर दबाव बनाए, ताकि इन विधवा महिलाओं का विधवा पेंशन बन सके। मैं ब्रह्मजीत सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।